नुसरत भी ऐसी ही खवातीन में शामिल है जिसको कानून हक दे रहा है, लेकिन इसका साबका शौहर अदालती अहकामात के बावजूद इसके हक को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नुसरत ने 2004 में तलाक के बाद जहेज और दीगर सामान की वापसी के लिए अदालत से रजू किया था। अदालत ने 2 साल बाद फैसला इसके हक में किया, लेकिन इसका साबका शौहर इसका सामान वापस करने को तैयार नहीं है। यहाँ कुछ सुनता ही नहीं है, कोर्ट में आते हैं, धक्के खा रहे हैं 7 साल से, और नजारत में भी इसी तरह कर रहे हैं कि लोग। मेरे हक में फैसला हो गया, ये जो मेरा कोई जहेज का सामान वगैरह था इन्होंने जब्त किया और ये दे नहीं रहे, और मेयर का जो वो भी आधा दिया आधा रो। फैमिली कवानीन में तब्दीली से फैसला तो जल्द हो जाता है, लेकिन खुला या तलाक के बाद ना नुफका हो या जहेज के सामान की वापसी या फिर जायदाद का हसूल, मर्द किसी हाल में भी औरत को इसका हक देने पर राजी नहीं होता। अगर हम अपनी मुआशरती कदरों को या अपने मुआशरती इकदार को बदल लें और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं कि जब एक सामान हम दे रहे हैं अपनी बेटी या बहन को, उसकी हम रसीद लेना शुरू कर दें, तो बाकायदा तौर पे हमारे पास सबूत और उस खातून को बेवक्त जरूरत परेशानी का सामना न करना पड़े। नुसरत की तरह सैकड़ों खवातीन रोजाना इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में आकर मायूस लौट जाती हैं। लोगों का कहना है कि कवानीन में तब्दीली की बजाय कानून पर बरवक्त अमल दरामद और माशर्ती रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ लियाकत राणा, दुनिया न्यूज़, कराची।